हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये मॉर्निंग में मैं उठी थी 5 बजे, तो सोचा थोड़ा सा फूल वूल खिला था तो आप सबको दिखाऊं। फूल सुबह सुबह देखने में बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी दिखाया बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने गर्म पानी करके पिया। मैंने पहले झाड़ू पोछा कर लिया है, झाड़ू वाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया। और ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, तो उनको टिफ़िन में दे दूँगी और वो टिफ़िन में लेके जाएंगे। बोल रहे थे, शिवा बोल रहा था कि मम्मी आलू पराठे दीजिए, किसी को देखा है स्कूल में लाते हुए। तो बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, जिसको किसी को देख लेंगे तो वही चाहिए। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं, तो दोनों बच्चों को खाने के लिए भी दे दूँगी और उनको टिफ़िन में भी आलू पराठे दे दूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी भी करके भेजना है स्कूल। जाता है जूता से हवा आता है, नहीं आता है हवा। तो फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद पीटी के पापा आ गए हैं छोड़ के। तो मैं बना रही हूँ हम लोगों के लिए नाश्ता, हम दोनों जन नाश्ता कर लेंगे। और मैं सुबह में ही नहा ली थी, जल्दी उठने से सुबह का काम हो जाता है, झाड़ू पोछा भी हो जाता है, नहाना भी हो जाता है। तो कपड़े धो लूँगी बाद में, मैं भिगो के रख दी हूँ। तो नाश्ता वास्ता कर लेंगे, बाद में कपड़े धो लेंगे आराम से। तो ये नाश्ता बना पराठे बना रही हूँ दो दो, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी मन करता है, सर्दियों में ज़्यादा बनता है, लेकिन अब गर्मी के मौसम में थोड़ा कम बनाते हैं। लेकिन शिवा बोला तो सोचा चलो बना दे हैं और खाएंगे। और मैंने जो आम की खटमिठिया बनाई थी उसके साथ तो और अच्छा लग रहा था खाने में। तो चलिए हम मैं बना लेती हूँ, चाय वाय भी बना लूँ फटाफट। पीती के पापा रुके हैं, चिल्ला रहे हैं जल्दी ले आओ नाश्ता, जल्दी ले आओ, वैसे चिल्लाते रहते हैं। तो मैं नाश्ता बना देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू के पराठे ले लिए दो, और ये है चटनी खटमिठिया जो मैंने बनाया था वही है, और ये बहुत टेस्टी बना है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करना, मैंने रेसिपी भी शेयर किया है। उसके बाद मैं नाश्ता दे आई हूँ, उसके बाद मैं इधर चाय भी बना रही हूँ और चाय छान लूँगी, और चाय पराठे के साथ चाय और अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में चाय तो पिया नहीं था, तो ये फर्स्ट चाय है, तो एक साथ में ही खा पी लेंगे। उसके बाद पीटी के पापा चले जाएंगे ड्यूटी, और मैं करूँगी अपना दोपहर का खाना वाना का काम बाद में। अभी बीच में 1-1.5 घंटा थोड़ा सा ब्रेक है, ज़्यादा काम नहीं है, कपड़ा थोड़ा सा है तो वो मैं बाद में धो लूँगी। तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही थी, एक मंकी आया था और इतना दुबला पतला हो गया है बेचारा, देख के बहुत तैयार सब उसको, कौवा लोग हो रहे होते हैं ना, वो उनको देख के पूरा चिल्लाते हैं, उनको मारने जाते हैं। तो मेरे पास बनाना था तो मैं वही उसको दी, खिड़की में नीचे रख दी, तो वो आ रहा था लेने के लिए। बहुत दुबला हो गया है, ऐसा लगता है कुछ बीमार हो गया है शायद उसको, तो वही मैं दिखा रही थी आप सबको। तो उसके बाद ये मैं दोपहर में बना रही थी, और ये है पकौड़ी। और ये क्या चीज़ का पकौड़ी है मैं बता रही हूँ, ये मछली, सुबह सुबह मछली लेके आए थे, तो वो वही है उसका जो अंडा निकलता है ना, तो वही बेसन वेसन दे के बहुत अच्छा लगता है मछली का अंडा का पकौड़ी। तो ये वही मैं पकौड़ी बना दे रही हूँ, और मछली बनाया और चावल बनाया है दोपहर का खाने में। तो चलिए मैं फटाफट बना लूँ, और बच्चे लोग स्कूल से आ भी गए हैं, तो जब वो आ गए उसके बाद मैं ये फ्राई कर रही हूँ। और मछली तो मैंने ग्रेवी वाला बना दिया है, और ये 5-6 पीस मैं रख दी थी ताकि गर्मा गर्म उनको फ्राई करके दूँ सबको,
तो खाएंगे बैठ के आराम से। तो यहाँ पे मैं खाना भी सर्व कर रही हूँ, प्रीतिक पापा बैठे हैं और प्रीति वहाँ पे देखिए पानी भर रही है। पानी भरना इन्हीं का ड्यूटी रहता है, मैं खाना निकालती हूँ और प्रीति नहीं तो शिवा पानी भरते हैं। तो ये पानी भर के लेके आई है, तो शिवा पैर हाथ धोने गया है, तब तक मैं खाना निकाल दूँगी। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, दोपहर में खाना खाने के बाद ये मिल रही हूँ मैं शाम को, और प्रीति के पापा लेके आ गए पानी पूरी, तो वही दिखा रही हूँ मैं आप सबको। और हम लोग सब लोग पानी पूरी एंजॉय करते हैं और बहुत टेस्टी पानी था, मज़ा आ गया खा के। पूरी का नाम सुन के उठ गई ना बेटू। दीजिए मैं आपको पानी भर के देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी पूरी आलू वालू भर लूँगी और मैं भी खा लूँगी। बहुत दिन के बाद पानी पूरी आज खा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया था, तो खा के बहुत अच्छा लगा। मुंह बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम खट्टा खट्टा, बहुत मज़ा आता है खा के। तो चलिए मैं ब्लॉग बस यहीं तक रखूँगी और आप सबको ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नए और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।